लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष ने खाचरौद विकास खंड में आम सभा को संबोधित किया, जिसमें बीजेपी को संविधान खत्म करने वाली पार्टी बताया। जीतू पटवारी ने कहा कि यदि बीजेपी को 400 से ज्यादा सीटें मिली तो वे देश का संविधान बदल देंगे, ऐसा भाजपा के नेता खुद कह रहे हैं। इस अवसर पर नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी नागदा खाचरौद के पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कहा कि बीजेपी कहती है कि हम 400 पार हो जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, इसका मतलब है देश में तानाशाही आ जाएगी। उज्जैन आलोट लोकसभा प्रत्याशी महेश परमार और सभी संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी ने कहा कि खाचरौद में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, क्या कभी बीजेपी ने उन्हें प्रोत्साहित किया है? सुनिए ये सभा जिसमें जीतू पटवारी ने ये बड़ा बयान दिया। ओबीसी के जो भाई हैं, उनसे भी अनुरोध करता हूँ। बीजेपी कहती है कि हमें 400 सीटें इस बार, अब की बार 400 पार, यहाँ कहते हैं 29 की 29 चाहिए हमें। ये क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं कि 400 सीट जिस दिन बीजेपी को आ जाएगी उस दिन वो संविधान बदल देंगे। संविधान ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके एक सांसद ने अनंत हेगड़े, उनने कहा कि 400 सीट इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। कितना महीना है अपना जो देश का ही ना संविधान से नहीं चलाना चाहिए है। कितने बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी है, जो संविधान बना वो सबके लिए है, सर्वसम्मति से है। अरे कांग्रेस पार्टी है जिन्हें गरीब की बात की, उन्हें जात पात की बात नहीं की। कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने जात पे न पात पे मोहर लगेगी, यह बात करी हमेशा करी, आज से नहीं करी, आज से 50 साल पहला से करी। हमने एक ही भावना है कि संविधान जो जो बचानो चाहिए, जरा हाथ ऊंचा करो एक बार, संविधान बचनो चाहिए। एक बार बिल्कुल कोताही मत पड़ते जो वोट डालने का अधिकार से भी वंचित कर दे बीजेपी। एक चीज चाइना में है सो, फ्रांस में है सो, रशिया में है सो, कि एक ही पार्टी की सरकार बने। जो कांग्रेसी है वो भी कान खोल के सुन ले, अगर गांव में भी सरपंच, जनपद, जिला पंचायत और विधायक अन्य अन्य जगह बनना है तो फिर जिंदा रखो इस लोकतंत्र। और लोकतंत्र जिंदा जब रहेगा, जब दिलीप भैया और हमारा महेश भैया चुनाव में सांसद बनेगा, बढ़ोगा कि नहीं बढ़ोगा? जोर से बताओ, बढ़ोगा कि नहीं बढ़ोगा? भारत माता की, धन्यवाद। अच्छा एक बात और, आजकल बीजेपी वाला का एक फैशन याद आई, जिनके थाना पर रिपोर्ट है, जिनके थाना पर रिपोर्ट है कहने गांव में जाएगा कि यार थारे को टीआई का एक पुलिस वाला का भेज देगा कि यार थारे पुलिस वालों पकड़ना है, थारी यार कटवाई दूंगा हूँ, बीजेपी में ही जा। फिर थोड़ा बड़ा स्तर पर कोई ठेकेदार हो, कोई नेता जनपद जिला पंचायत को, तो कहे थारा बिल पास नहीं रहा है, लहू ही का पास करे दूंगा, तू बीजेपी में ही जा। फिर थोड़ो कोई पुराना नेता ना कोई छोटी मोटी घपला घोटाला सरपंच सरपंच ने कर दिया हो तो उना सरपंच कन जाएगा कि थारा पर केस बनवा जाएगा, बीजेपी में ही जा। फिर थोड़ा ऊपर जाएगा और जो विधायक लेवल का लोग ना है उनको भी अलग अलग तरीका से डराओगा और फिर कहेगा बीजेपी में ही जा। अरे भैया इनका सबका भी तू बीजेपी में ले जाएगा तो ये जनता जाएगी कहीं? अरे जाएगी कहीं? तो ऐसा डरपोक लोग ना कह, कायर लोग ना कह, जिन्हें घपला और घोटाला कर यार, उनका अगर बीजेपी ले भी जाए तो अपनों का नुकसान है कहीं? धन्यवाद।